नहीं नहीं ऐसा है, देखो राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं और जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है। अब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अगड़े हों पिछड़े हों, सब लोगों को साधने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति या धर्म के आधार पर राजनीति करना कोई लोकतंत्र के लिए शुभ और स्वस्थ संकेत नहीं है। हमको तो अगली पीढ़ी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कैसे हम इश्यूज़ की, मुद्दों की पब्लिक राजनीति करते हैं। लेकिन जब लगता है भाजपा को कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है या वो चुनाव हारेंगे, तब वो इस तरह की बातें करते हैं ध्यान और दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक सब समझती है। और जो हमारा लगातार एक सस्टेन्ड पॉजिटिव कैंपेन हुआ है, जो पब्लिक ने उसको अच्छा रिसीव किया है, जो भीड़ हमारी मीटिंग्स में आई है, उसको देखकर मैं संतुष्ट हूँ कि हमारा अच्छा परिणाम आएगा 3 तारीख को जब मतपेटियाँ होंगी, मतगणना होगी। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, अपना हित समझती है और तमाम प्रचार के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, अपने विवेक से, अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी के लिए 5 साल का भविष्य वो तय करेंगे और बहुत सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो मतदान अच्छा होना चाहिए, मैं समझता हूँ हर एक को अपने मत का अधिकार है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच। मैं बार बार कहता हूँ नेता, नीति और नेतृत्व, इसको देखकर वोट डालें। और मैं आशावान हूँ कि ये बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ीबर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ीबर्ड ऐप।